integral from root x minus 1 upon root x whole square dx. देखिए बच्चों, हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इसको पहले सिंप्लीफाई करके लेते हैं, इसको स्क्वायर करेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर. ए स्क्वायर मीन्स ये एक्स आएगा माइनस टू इंटू रूट एक्स इंटू वन अपॉन रूट एक्स प्लस राइट लाइक दिस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन रूट एक्स होल स्क्वायर. इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ये सभी का इंटीग्रेशन. So this is equal to x minus, this will get cancelled, 2 plus 1 upon x dx. So integration of x is x square upon 2 minus 2 into 1, integration of 1 is x plus log of mod x plus c minus. ठीक है, चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. इंटीग्रल sec square x upon cosec square x dx. सो दिस कैन बी रिटन एज, देखिए बच्चों cosec square x का मतलब होता है 1 upon cosec square x means it will be sin square x, एंड sec square x means 1 upon cos square x dx. So this is equal to sin square x upon cos square x means tan square x dx. Tan square can be written as sec square x minus 1 dx. So integration of sec square x is tan x minus 1 ka integration x प्लस. चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. इंटीग्रल फ्रॉम 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स. अगेन वी विल सिंप्लीफाई फर्स्ट. सो 2 अपॉन कोसेक कॉस स्क्वायर एक्स मींस 2 सेक स्क्वायर एक्स आएगा माइनस 3 अपॉन, देखिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू वन अपॉन कॉस एक्स. इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं डीएक्स. सो दिस इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 टैन एक्स सेक एक्स, ये डीएक्स हो जाएगा. This is equal to 2 into integration of sec square x is tan x minus 3 tan x sec x ka integration which is sec x plus c. Chaliye next question dekhte hain bachcho. Integral from log x whole square x dx. अभी देखिए बच्चों यहां पर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दिया जाएगा. देखिए बच्चों वी पुट लॉग x इज इक्वल टू t रखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे. So, 1 upon x आएगा dx upon dt. Here we are differentiating with respect to t लेना है बच्चों t. So derivative of t is 1 with respect to, this is 1 है. So 1 upon x dx is equal to dt आएगा बच्चों. तो यहाँ पर देखिए बच्चों 1 upon this can be written as here. Log x square means what? ये t square आएगा, और ये 1 upon x into dx means ये dt आएगा बच्चों. So this can be written as 1 upon x dx is equal to dt. तो t square का integration है बच्चों t plus t
टी रेस टू टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन प्लस सी, सो टी रेस टू थ्री अपॉन थ्री प्लस सी, सो टी मीन्स वॉट लॉग एक्स वन अपॉन थ्री क्यू प्लस सी। टी को फिर से यहां रखना है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स डीएक्स। तो यहां पर देखिए बच्चों वन अपॉन एक्स, ये डिनोमिनेटर से एक्स कॉमन निकालिए, तो वन प्लस लॉग एक्स डीएक्स। तो यहां देखिए वन प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, तो पुट वन प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी रखते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, वन का जीरो लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू वन। तो डी एक्स वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आएगा। तो ये वन अपॉन एक्स डी एक्स मीन्स डी टी, और वन प्लस लॉग एक्स मीन्स टी है। तो वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन है बच्चों log of mod of t plus c, so log of t का मतलब है बच्चों वन प्लस log x plus c। so this is important question बच्चों, it was asked many times in examination। चलिए next question देखते हैं बच्चों। यहां पर देखिए इंटीग्रल x इंटू वन प्लस 2x square। तो यहां पे क्या करेंगे बच्चों, 1 plus 2x square का 2x square का डेरिवेटिव x के बाद x में ला सकते हैं। So we can write put 1 plus 2x square is equal to t रखते हैं। So differentiating with respect to t करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 2 into 2x, x square का derivative 2x आएगा बच्चों, 1 का derivative 0 आएगा, into dx upon dt आएगा बच्चों, is equal to 1, so this is 4x into dx upon dt is equal to 1, so x dx is equal to 1 upon 4 into dt, so call this as r। तो देखिए बच्चों x dx का मतलब है 1 upon 4 dt, और ये आएगा ये dt आएगा y is equal to, so 1 upon 4 into t raised to 1 plus 1, sorry ये क्या आएगा बच्चों, देखिए हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे t raised to 1 by 2 dt आएगा, so 1 upon 4 into t raised to 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1 plus c। तो देखिए बच्चों 1 by 4 into ये 3 by 2 है, तो ये 2 upon 3 आ गया यहाँ पे t raised to 3 by 2 plus c, 2 2 will get cancelled, so this is equal to 1 by 6 t raised to 3 by 2 plus c। So 1 by 6, t की वैल्यू क्या है बच्चों, देखिए 1 plus 2x square bracket raised to 3 by 2 plus c आएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। I is equal to integral from integration x minus root x। तो देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, यहां पर रूट एक्स कॉमन निकालेंगे बच्चों, यहां पर वी विल टेक आउट रूट एक्स कॉमन, टेक आउट रूट एक्स कॉमन, इट विल बी एक्स मीन्स रूट एक्स इंटू रूट एक्स होता है, तो यहां रूट एक्स आएगा बच्चों माइनस वन इंटू डी एक्स। नाउ डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स माइनस वन इट विल कम इन टर्म्स ऑफ वन अपॉन रूट एक्स, सो पुट root x minus 1 is equal to t,
सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या है बच्चों, वन अपॉन टू रूट एक्स है। डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स आप ध्यान में रखिए बच्चों, वन अपॉन टू रूट एक्स डी एक्स अपॉन डी टी, माइनस वन का डेरिवेटिव जीरो आएगा, सो इट इज वन। सो वी कैन राइट वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टू टाइम्स डी टी। ये डी टी मैंने इधर ले लिया बच्चों और ये टू इधर आ गया, सो देयर फोर आई इज इक्वल टू, सो वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स मीन्स टू डी टी है बच्चों, अपॉन रूट एक्स माइनस वन मीन्स टी है, सो टू टाइम्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी आएगा, सो टू टाइम्स लॉग ऑफ टी मीन्स व्हाट, रूट एक्स माइनस वन प्लस सी आएगा। सो लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन बच्चों, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस वन ब्रैकेट रेस टू वन बाई थ्री। यहां पे देखिए बच्चों एक्स रेस टू फाइव है, सो इट कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए बच्चों एक्स क्यूब माइनस वन का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, सो पुट एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू टी थ्री एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव जीरो आएगा बच्चों, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई थ्री डी टी। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई थ्री डी टी है बच्चों, और ये जो एक्स क्यूब है दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन प्लस डी आएगा बच्चों, सो लेट अस आई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन मीन्स टी टी रेस टू वन बाई थ्री। एक्स क्यूब का मतलब क्या है बच्चों, वन प्लस टी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर डी एक्स मीन्स वन बाई थ्री डी टी आएगा, सो वन बाई थ्री टी रेस टू वन बाई थ्री प्लस टी रेस टू वन बाई थ्री प्लस वन, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों हम लोग इसको, सो वन बाई थ्री इंटीग्रल टी रेस टू वन बाई थ्री प्लस टी रेस टू, ये क्या आ जाएगा बच्चों, फोर बाई थ्री आएगा। इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, वन बाई थ्री इंटू टी रेस टू वन बाई थ्री प्लस वन अपॉन वन बाई थ्री प्लस वन प्लस टी रेस टू फोर बाई थ्री प्लस वन अपॉन फोर बाई थ्री प्लस वन, सो दिस इज इक्वल टू वन बाई थ्री इंटू, देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, वन बाई थ्री प्लस थ्री फोर बाई थ्री, फोर बाई थ्री का रेसिप्रोकल आएगा थ्री बाई फोर इंटू टी रेस टू थ्री बाई फोर, ये टी रेस टू थ्री बाई फोर, ये आएगा बच्चों सेवन बाय फोर, इसका रेसिप्रोकल यहाँ लिखेंगे सेवन बाय फोर टी रेस टू सेवन बाय फोर प्लस सी, सो दिस थ्री थ्री विल गेट आंसर वन अपॉन फोर इंटू टी की वैल्यू हम फिर से रख देते हैं, सो व्हाट इज टी, एक्स क्यूब माइनस वन ब्रैकेट रेस टू थ्री बाय फोर प्लस सेवन बाय फोर इंटू एक्स क्यूब माइनस वन ब्रैकेट रेस टू थ्री बाय फोर प्लस सी। सो लेट अस टेक वन मोर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, वन अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स ब्रैकेट रेस टू एम, फिर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहां पे लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स है बच्चों, सो पुट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू वन, तो वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ये डी टी आएगा,
So this is I is equal to, so I can write 1 upon x dx. So it is dt upon t raised to m. So it will be t raised to minus m dt. So t raised to minus m plus 1 upon minus m plus 1 plus c. तो यहाँ t की वैल्यू रख दीजिए बच्चों, t means what? log x, it is log x bracket raised to 1 minus m upon 1 minus m plus c. इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो I is equal to e raised to tan inverse x upon 1 plus x square dx. तो अगेन यहाँ पे हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है. सब्स्टिट्यूशन मेथड क्यों यूज करना है? क्योंकि टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो पुट टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी रखेंगे. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स अपॉन डीटी इज इक्वल टू 1. So 1 upon 1 plus x square dx is equal to dt. So देखे बच्चों, it will be I is equal to e raised to ti. And 1 upon 1 plus x square dx means dt. So integration of e raised to t is e raised to t plus t की value re-put कर दीजिए बच्चों. e raised to tan inverse x. So I is equal to integral e raised to 2x minus 1 upon e raised to 2x plus 1 dx. देखे बच्चों, यहां पर हम यहां पर ऐसे देखेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं कर सकते हैं यहां पर डायरेक्टली. इसको अगर हम लोग देखिए बच्चों, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से e raised to x कॉमन निकालना है. e raised to x कॉमन निकालना मतलब e raised to 2x को e raised to x से डिवाइड करना है. तो e raised to 2x upon e raised to x means e raised to x minus 1 upon e raised to x. देखिए 1 upon e raised to x. This can be written as e raised to minus x upon e raised to x. e raised to x plus e raised to minus x. यहाँ से e raised to x मैंने कॉमन निकाला है. तो e raised to x will get cancel. तो यहाँ पे देखिए बच्चों, e raised to x plus 1 into e raised to minus x is equal to t रखेंगे. इसका डेरिवेटिव निकालिए. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? e raised to x. इसका डेरिवेटिव आएगा बच्चों e raised to minus x into derivative of minus x means minus 1. तो यहाँ लिख सकते हैं. So dx upon dt is equal to 1. So e raised to x minus e raised to minus x dx is equal to dt आएगा ये. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? This is e raised to x minus dx, ये dt हो जाएगा अपॉन t. तो दिस इज log mod of t plus c is equal to log of mod of e raised to x plus e raised to minus x plus c. यहां पर देखिए बच्चों, कहीं पर भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर आता है तो हम लोग उसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी लिख सकते हैं. जैसे यहाँ पे देखिए, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर है तो यू कैन राइट डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन जो आएगा लॉग ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स प्लस सी आएगा. चलिए, सो दिस इज क्वेश्चन. नाउ लेट अस नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हम लोग लेट अस सी बच्चों क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पर I इज इक्वल टू इंटीग्रल e रेस टू 2x माइनस e रेस टू माइनस 2x अपॉन
e raised to 2x plus e raised to minus 2x. तो देखिए बच्चों यहाँ पर e raised to 2x plus e raised to minus 2x is equal to t रखेंगे. तो differentiating with respect to t का है. तो e raised to 2x का derivative आएगा बच्चों e raised to 2x into derivative of 2x is 2. e raised to minus 2x का derivative आएगा बच्चों e raised to minus 2x into minus 2 dx upon dt is equal to 1. यहां से 2 कॉमन निकालिए e raised to 2x minus e raised to minus 2x dx is equal to dt आएगा बच्चों. तो ये 2 को हम लोग यहां लिख सकते हैं 1 by 2. यहाँ dx लिखिए. I is equal to integration. देखिए e raised to 2x minus e raised to minus 2x dx is equal to 1 by 2 dt upon ये इसके हमने t रखा है. So it is 1 by 2 into integration of 1 by 2 is log of mod of t plus c. It is 1 by 2 into log of mod of t. T का मतलब क्या है बच्चों देखिए e raised to 2x plus e raised to minus 2x plus c. Integration of sec square 7 minus 4x. So we know integration of sec square theta. So what we will do? We'll put here. Put 7 minus 4x is equal to t, differentiating with respect to t करें. तो ये इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों? 7 का 0 minus 4 into dx by dt is equal to dt आएगा. So ये बनना आएगा बच्चों 1. dx is equal to minus 1 upon 4 dt आएगा. तो यहाँ dx सो I is equal to minus 1 upon 4 sec square t. देखिए यहाँ पे मैंने dx के बदले में minus 1 upon 4 या minus 1 ले लिया. ये dt. सो minus 1 upon 4 into tan t plus c. सो minus 1 upon 4 into tan of t means क्या है बच्चों 7 minus 4x plus c. इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं. Now one more important question बच्चों I is equal to integration of sin inverse x upon under square root 1 minus x square dx. Here put sin inverse x is equal to t रखिए बच्चों. Differentiating with respect to t इसका integration आएगा बच्चों 1 upon under square root 1 minus x square dx upon dt is equal to 1. So 1 upon under square root 1 minus x square dx is equal to dt. So I is equal to sin inverse का मतलब x के बदले में हमने t रखा है. So 1 upon under square root 1 minus x square dx means it is dt. So t dt का इंटीग्रेशन आएगा बच्चों t square upon 2 plus c. तो रीपुट वैल्यू ऑफ t बच्चों अभी upon 2 plus c आएगा. चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन. I is equal to 2 cos x minus 3 sin x upon 6 cos x plus 4 sin x dx. So 2 cos x minus 3 sin x upon
इसमें बच्चों टू कॉमन निकाल लीजिए, टू इंटू थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स डी एक्स। तो देखिए बच्चों इसको मैं वैसा वन बाय टू लिख रहा हूं, टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन, इसको मैं लिख रहा हूं बच्चों टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स डी एक्स। तो देखिए बच्चों ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स, तो हम लोग इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हैं टू इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ टू साइन एक्स प्लस थ्री कॉस एक्स प्लस सी। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में आता है तो वी कैन राइट डायरेक्ट इट्स इंटीग्रेशन लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी स्क्वायर एक्स माइनस वन माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर डीएक्स। देखिए बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर डीएक्स। नाउ टैन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है बच्चों, सो पुट वन माइनस टैन एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसका डेरिवेटिव आएगा बच्चों माइनस वन का डेरिवेटिव जीरो सिक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू वन, माइनस सिक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये माइनस इधर मैं लिख सकता हूँ, सो दिस इज इक्वल टू सिक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स मीन्स माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर, तो ये आएगा बच्चों माइनस टी रेज टू माइनस टू डी टी माइनस, इसका इंटीग्रेशन आएगा टी रेज टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी, तो ये माइनस टी रेज टू माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज इक्वल टू वन अपॉन टी प्लस सी, सो वन अपॉन टी मीन्स वॉट टी की वैल्यू रख दीजिए बच्चों वन माइनस टैन एक्स प्लस सी आ गए। चलिए नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कॉट एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स। तो देखिए बच्चों लॉग का डेरिवेटिव अगर निकालते हैं तो ये कॉट एक्स है, देखिए पुट लॉग लॉग ऑफ साइन एक्स ना इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा वन अपॉन साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू वन, so cos x upon sin x means cot x dx is equal to dt, so I is equal to cot x dx means what dt log of sin x means ti, तो इसका आएगा इंटीग्रेशन बच्चों t square upon 2 plus c, t means क्या है देखिए बच्चों log of sin x होल स्क्वायर प्लस सी आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर डीएक्स।
तो ये 1 प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, इसलिए पुट्टी। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, कॉस एक्स का आएगा बच्चों माइनस साइन एक्स, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1। तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी, कॉल दिस एज आर। तो ये आएगा माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर, सो दिस इज माइनस टी रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी आएगा, माइनस टी रेज टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1 माइनस माइनस प्लस प्लस सी। सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी प्लस सी आएगा। सो 1 अपॉन टी, टी मीन्स व्हाट, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी आएगा। सो लेट अस सी वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझ लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों। 1 प्लस कॉट एक्स, कॉट एक्स को मैं साइन एक्स अपॉन सॉरी वन प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आएगा, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा अपॉन साइन एक्स वन अपॉन। सो दिस इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आएगा। यहां पे मैं 2 लिख रहा हूं या 1 अपॉन 2 आएगा। तो देखिए बच्चों, इसको 1 बाय 2 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये मैंने कॉस एक्स ऐड किया है माइनस किया है, 2 साइन एक्स को साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिखा है अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो देखिए बच्चों, ये क्या आएगा, 1 बाय 2 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन, ये देखिए इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखेंगे, ये डी एक्स हो जाए। सो 1 बाय 2 इंटू इंटीग्रल, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ 1 आएगा प्लस। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे डिनोमिनेटर, अच्छा ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये डी एक्स। तो 1 बाय 2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस, अब ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स, सॉरी साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, कॉस एक्स आएगा, कॉस का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन एक्स। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे, यहाँ माइनस कॉमन निकालेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। मैं फिर से लिख रहा हूँ बच्चों इसको, वन बाय टू इंटू वन माइनस कॉमन निकालने के बाद में क्या हो जाएगा बच्चों, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 1/2 इंटू, अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, 1 का इंटीग्रेशन एक्स आएगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस, सो माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी आएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
यहाँ पे वन प्लस कॉट एक्स, वन प्लस टैन एक्स ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आ गया, देखो बच्चों, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। वन अपॉन वन माइनस टैन एक्स, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे पहले। वन अपॉन वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉस ऊपर ले लीजिए, कॉस एक्स अपॉन ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखिए बच्चों, इसका डेरिवेटिव हमें न्यूमरेटर में लाना है, तो यहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, टू कॉस एक्स निकालिए, टू कॉस एक्स अपॉन टू इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो यहां पर टू कॉस एक्स माइनस टू साइन एक्स प्लस टू साइन एक्स लिखेंगे अपॉन टू कॉस ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देखिए बच्चों, इसको मैं लिख रहा हूं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए आई कैन राइट दिस एज, प्लस टू साइन एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखेंगे डिवाइडेड बाय टू टाइम्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स टू साइन एक्स हो जाएगा। और उसके बाद में यहां पर देखिए, इसको हम लोगों को ये साइन एक्स ऐड करने की जरूरत नहीं है, बस इसी को हम लोग क्या करेंगे, टू कॉस एक्स, कॉस एक्स यहाँ पे लिख दिया, या माइनस मीन्स एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग साइन एक्स है, माइनस साइन एक्स और ये प्लस साइन एक्स। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए आई कैन राइट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ये वन बाय टू इधर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, आई इज इक्वल टू डी एक्स, थ्री डी इज वन बाय टू इंटू ये कैंसिल हो जाएगा और ये वन आएगा, वन का इंटीग्रेशन आएगा एक्स माइनस। अब यहाँ डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बच्चों, ये इसका डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस कॉस का डेरिवेटिव ये माइनस साइन एक्स हो गया बच्चों यहाँ पे, और साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स माइनस साइन का माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, बराबर। सो इट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। देखिए माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन हमने निकाल लिया है यहाँ पर, इसका इंटीग्रेशन एक्स और इसका इंटीग्रेशन आएगा प्लस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर स्क्वायर रूट टेन एक्स अपॉन साइन
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे देखिए बच्चों, अंडर स्क्वायर रूट टैन एक्स, यहां हमको डिनोमिनेटर का फंक्शन निकालना होता है, इसमें क्या करेंगे वह साइन एक्स अपॉन साइन एक्स लिख दिया, सॉरी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये कॉस एक्स इधर लिखा है तो इसको कॉस एक्स को हमको मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा देखिए रूट टेन एक्स अपॉन टेन एक्स आएगा यहाँ पे इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स आएगा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मीन सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टेन एक्स, रूट टेन एक्स अपॉन टेन एक्स मीन्स इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ रूट टेन एक्स आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो ये रूट में जाएगा इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स यहाँ पर है, सो टू टेन एक्स इज इक्वल टू सेक्स टी, सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, इसका डेरिवेटिव आएगा बच्चों सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू वन, सो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन, ठीक है, सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर डी एक्स मीन्स वॉट डी टी अपॉन अंडर स्क्वायर रूट टी आएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों टी रेज टू माइनस वन बाय टू डी टी, इसका इंटीग्रेशन आएगा टी रेज टू माइनस वन बाय टू प्लस वन अपॉन माइनस वन बाय टू प्लस वन प्लस सी। तो देखिए बच्चों ये टी रेज टू माइनस वन बाय टू प्लस वन मीन्स वन बाय टू, तो ये रूट टू आए रूट टी आएगा, ये आएगा वन बाय टू माइनस वन बाय टू प्लस वन मीन्स वन बाय टू, ये इधर तुम लिख सकते हो प्लस सी, सो दिस इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स रूट टी, का मतलब क्या है टी मतलब टैन एक्स है, टैन एक्स प्लस सी। अगेन लेट अस सी वन मोर इंपॉर्टेंट एग्जांपल बच्चों, यहां देखिए वन प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स, सो वन प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टू, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू वन का डेरिवेटिव जीरो आएगा बच्चों प्लस इसका डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू वन, वन अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो दिस इज आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू देखिए ये वन प्लस लॉग एक्स टी स्क्वायर हो जाएगा, वन अपॉन एक्स डी एक्स मीन्स डी टी, सो दिस इज इक्वल टू टी क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी, क्योंकि टी रेस टू एन का इंटीग्रेशन है बच्चों टी रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, सो इट इज वन बाई थ्री, टी का मतलब वन प्लस लॉग एक्स ब्रैकेट क्यूब प्लस सी, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स। देखिए बच्चों ये दिखने के लिए डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखता है, लेकिन अगर देखें हम लोग ये x से इसको डिवाइड करेंगे तो x प्लस लॉग x का ये डेरिवेटिव आएगा, देखिए ऐसे डिवाइडिंग ये इसको डिवाइड करेंगे तो क्या वन प्लस वन अपॉन एक्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स कैंसिल, वन वन प्लस वन अपॉन एक्स इंटू x प्लस लॉग x होल स्क्वायर डी एक्स, जब डिनोमिनेटर में यहाँ इंटू का साइन है बच्चों मल्टीप्लीकेशन, तो दोनों में से एक फंक्शन को इससे डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करने की जरूरत होगी,
Now put x plus log x is equal to t. Differentiating with respect to t, 1 plus 1 upon x dx upon dt is equal to 1. To 1 plus 1 upon x dx is equal to a dt. One plus one upon x dx is equal to dt. So ये हो जाएगा बच्चों ये t square और one plus one upon x dx means dt. So this is t cube upon 3 t square का integration plus c. T की value re-substitute ये x plus log x cube upon 3 plus c. X cube into sine into tan inverse of x raised to 4 upon 1 plus x raised to 8 dx. देखिए बच्चों यहां पर हम लोग अगर ये इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहां डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव आ रहा है. देखिए रूट tan इनवर्स x raised to 4 is equal to t. So differentiating with respect to t, 1 upon tan inverse x का डेरिवेटिव क्या है, 1 upon देखिए tan inverse x का डेरिवेटिव है बच्चों 1 upon 1 plus x square. तो ये 1 upon x raised to 4 का square होगा x raised to 8 into derivative of x raised to 4 लेना है. That will be 4x cube dx upon dt is equal to 1. So x cube upon 1 plus x raised to 8 dx is equal to 1 by 4 dt. ये 4 denominator में ये dt इधर ले गया. तो देखिए बच्चों I is equal to x cube dx का मतलब 1 by 4 साइन टी डी टी आएगा. सो 1 बाय 4 तो देखिए बच्चों साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस सी. सो इट इज माइनस 1 बाय 4. सो कॉस इनटू टी की वैल्यू रख दीजिए, टी इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स रेस टू 4 plus tan x raised to 9 plus tan raised to s log of tan to the base e upon x raised to 10 plus tan raised to x है. देखिए देखिए बच्चों को थोड़ा ये अलग क्वेश्चन है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है. देखिए पुट x raised to 10 प्लस tan raise to x is equal to t. देखिए बच्चों इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t. तो ये आएगा बच्चों tan x raise to 9 प्लस अभी tan raise to x का डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, a raise to x का डेरिवेटिव दैट इज tan raised to x a raised to x into log a. देखिए d dx of a raised to x is equal to a raised to x into log a to the base e होता है. तो a के बदले में 10 है तो tan raised to x into log of tan to the base e ऐसा बोल सकते हैं हम लोग. तो देखिए बच्चों दिस इज dx upon dt is equal to 1. So that is tan x raised to 9 plus tan raised to x log of tan to the base e dx is equal to dt. Yeah, denominator ka derivative numerator mein hai. That means I is equal to log of
डिनोमिनेटर एक्स रेस टू टेन प्लस टेन रेस टू एक्स प्लस सी, ये क्या आएगा बच्चों, अपॉन टी, ये दिस इज डीएक्स इज इक्वल टू टी है ना, ये डीटी अपॉन टी का डेरिवेटिव लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी टी के बदले में, या मैंने आप लोग को बताया बच्चों कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर आ रहा है तो डायरेक्टली हम इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी लिख रहे हैं। चलिए लेट अस लास्ट क्वेश्चन नाउ, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इनटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स है बच्चों। तो यहां पर देखिए बच्चों इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वन को लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये वन के बदले में, और ये डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो ये क्या आएगा बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस टैन स्क्वायर एक्स डीएक्स, सॉरी कोसेक्स स्क्वायर एक्स आएगा बच्चों, दिस इज कोसेक्स स्क्वायर एक्स वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स मींस कोसेक्स स्क्वायर एक्स, तो सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है बच्चों tan x, cos x square x का इंटीग्रेशन है minus cot x plus c, so these are the sum of the questions which